दोस्तों देखते हैं हमारे चिक्स क्या कर रहे हैं। ओ भाई, ये तो सारे बाहर निकलने के लिए खड़े थे। ओ तेरी, ये देखो इनके काम, देखो इनके काम, देखो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। इस केज में ना मैंने बहुत सारी मुर्गियां बंद की थी, क्योंकि ये वाला केज ना हमने अपने न्यू असील मुर्गे और दो मुर्गियों को दिया हुआ था। ये वाली दोस्तों प्लेट बिल्कुल खाली है, पता नहीं ये खा क्या रहे हैं। ये देखो अंदर कुछ भी नहीं है। और रुक जाओ भाई, दोस्तों न्यू असील मुर्गे को फिलहाल मैंने अभी नहीं खोलना, क्योंकि पहले वाले मुर्गे हैं ना ये आपस में लड़े ना, ये है बड़ा फाइटर। और ऐसे करता हूँ मैं ना अपने असील बच्चे को निकाल देता हूँ। और दोस्तों कबूतरों का मैंने गेट खोल दिया है, ये भी खुद बाहर आएंगे और इनका भी बड़ा दिल है बाहर आने का। आ, आ, आ। कबूतरों को दोस्तों चिक्स बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखो अभी देखना इसको उड़ा देगा चिक आगे। ये देखो देख लो, देखो 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 मिनी फौज कबूतरों को बैठने नहीं देती ऊपर। दोस्तों सुबह सुबह ही हमें बैड न्यूज मिल गई है। ये देखो वो हमारा पैरट ना मर गया, पता नहीं कैसे मरा, ये बिल्कुल ठीक था। ओहो मुझे लगता कोई कैट ने रात को अटैक किया है। देखो ये भी गिरी पड़ी है छोटी, इसको भी उठा लेता हूँ। ओहो ये देखो ये वाला पैरेट ना मैं बड़ा दिल से ले आया था दोस्तों, इतना खूबसूरत था ना। चलो मैं अपने भाई को देता हूँ, इसको दफना देगा। ये लो। तो मिनी फूज जब पानी पी रही होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो ये साथ मिलके पानी पीते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और अब मैं खोलने वाला हूँ अपने असील मुर्गे और मुर्गियों को। तो मुझे डर है ये लड़े ना, और आज इसका अच्छा सा नाम भी हम रख देंगे अपने न्यू असील मुर्गे का। आ रहा आ रहा आ रहा बार आ रहा। दोस्तों मैंने अपने अली भाई को बता दिया, जैसे लड़ाई करने लगे इसको पकड़ लेना। आज दोस्तों पहली दफ़ा मैंने देखा रैबिट्स घास नहीं खा रहे, और तो हीर रांझा मुर्गियाँ सब खा रही हैं, पता नहीं रैबिट्स क्यों नहीं खा रहे आज। आ गया आ गया आ गया आ गया बबलू आ गया। दोस्तों मैंने इसका नाम सोच भी लिया, इसका नाम है बबलू। आहा माशाल्लाह, ओ ये देखो रैबिट को भी मार रहा था। दोस्तों इसको डाइट मैंने ना अभी रख दिया है, और इस तरफ मैं इसको डाइट नहीं डाला करूँगा, मुझे तो बहुत डर है अभी भी ये किसी को मारे ना हमारे दूसरे मुर्गे को। उधर आ जाओ उधर आ जाओ। दोस्तों ये ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उधर हो हट हट। चलो अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ऐसे 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 आ जाओ, शाबाश। दोस्तों आप काफी मेरे हाथ पे ट्रेन हो गए और हैंड फीड भी करते हैं। आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ सारे आ जाओ, मेरे हाथ को ही ना खा लेना ख्याल से। हमारी ब्लैक वाली मुर्गी ना अपनी ड्यूटी पे पहुंच गई है, और अभी ये देगी अंडा। तो ये अभी बैठने वाली है, थोड़ी देर बाद इसका अंडा निकलेगा। ओहो दोस्तों एक तो सुबह बैड न्यूज मिली है, और अब एक और बैड न्यूज मिल गई है। उठा यार, वो देखो मिनी फौज का एक और सिपाही मर गया। दोस्तों हमारी मुर्गी हर दफा अंडा दे के उठती है, आज पहली दफा ऐसे हुआ इसने अंडा नहीं दिया, ये उठ गई है वहां से, पता नहीं इसने अंडा क्यों नहीं दिया। देने का इसका फुल मूड था, तो मुझे लगा थोड़ी देर बाद शायद दे दे। ओ तेरी, मुझे समझ नहीं आ रही, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, बड़े भाग रहे हैं, ये सुबह फिर बीमार हो जाता है, एक मर जाता है। ओहो दोस्तों मुझे अब पता लगा जो ब्लैक वाली मुर्गी है ना इसने अंडा क्यों नहीं दिया, इसने ना जगह वो बनाई हुई है उधर चली गई है अंदर ये चिक हाउस में। हाँ अब मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ, इधर देगी। चलो भाई मैंने इधर बंद कर दिया मुर्गी को, और थोड़ी देर बाद आके चेक करेंगे अंडा आया नहीं आया। आज हमारे पैरट्स ने ना अंडा दे दिया, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो देखो वो आपको नजर आ रहा है जूम होके, वो अंदर पड़ा है। तो मतलब ये आप बैठेंगे और बच्चे भी इनके निकलेंगे। सुबह सुबह दोस्तों हमने पैरट जो दफनाया है ना उसके साथ हम ना इसको भी दफना देते हैं, इस चूजे को। चलो यार तू दफनाते हो जहाँ वो पैरट दफनाया, पता है ना आपको। अच्छा हाँ। ओ हाँ। ओहो अब इसको क्या हो गया। अच्छा तो मैं तो डर ही गया था, ओ ये सही है पड़ा, वैसे धूप में लेटा हुआ था। आज दोस्तों मैंने ईगल का हाल हवाल भी नहीं पूछा, तो अब मिनी जू में चलते हैं।
ईगल से मिलते हैं जाके, तो उसको डाइट भी हमने देनी है। हमारी दोस्तों ये वाली मुर्गी भी काफी सही हो गई है, पहले तो बहुत ज्यादा बीमार थी, एक दो दफा दवाई दिया तो ये सही हो गई है। हमने रात को ना अपने ईगल को बंद किया था सुपर केज में, और अब मैं आया हूँ इसके लिए पानी पहले पिलाऊंगा और उसके बाद इसको हमने खिलानी है डाइट। डाइट में मीट ही खाता है आपको पता, चिकन। आ जाओ पहले तो इसको पानी पिलाएं। तो मैंने अपने ईगल को पानी रखा है, उसने नहीं पिया, और अब मैं इसको रखूंगा ये चिकन। चिकन तो खाएगा क्योंकि इसको बहुत भूख लगी हुई है। आ जाओ ईगल, मेरा दोस्त है। समझ, पहले इसको डाइट खिलाता होता था, वो आज अभी तक आया नहीं है, और उसका मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि सुपर केज का भी बहुत सारा काम बाकी है, जो मैं इसको डाइट खिलाऊंगा। आ जा आराम से आराम से, मैं भी आपका दोस्त ही हूँ भाई। ऐसे ऐसे शाबाश, इसको मैंने खुद अपने हाथ में दे दिया, ये आराम से खुद ही खा जाएगा, और नीचे मैंने पानी भी रख दिया, पानी भी पी लेगा। और अब ऐसे करते हैं दोस्तों, इसके लिए ना ऊपर से कपड़ा लगा देते हैं क्योंकि धूप का टाइम हो गया, इधर धूप भी बहुत ज्यादा आने वाली होगी। दोस्तों हमने इस जगह कपड़ा लटका दिया और काफी सेफ्टी हो गई है ईगल की, अब अंदर छांव भी हो गई है बहुत। दोस्तों हमारी इस वाली ब्लैक मुर्गी ने अंडा दे दिया और ये अब पानी पीने गई खड़ी है, और इस अंडे को भी मैं पहले वाले अंडों के साथ रखता हूँ। आज हम गिनते हैं हमारे पास अंडे कितने हो गए हैं, और अंडों की डायरेक्शन भी चेंज करनी है। ये इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ अंडे हो गए, इनकी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ एक एक की। बस अब जल्दी से अपने किसी मुर्गी का कूड़ा कोने का इंतजार करते हैं और फिर सारे अंडे उसके नीचे रखेंगे। हमने जो डक के अंडों पे और फैंसी मुर्गी के अंडों पे मुर्गी बिठाई थी ना, तो मैं उसको 2-3 दिन बाद देखने आया हूँ। डाइट तो घर वाले उसको डाल देते थे, अब चेक करते हैं वो कितने दिन रहते हैं अंडे बच्चे निकलने में। अभी तो ये डाइट ही खा रही है बैठी है, हाँ भूख भी इसको बहुत ज्यादा लगी है, अंडे सारे इसके नीचे हैं बड़े और फुल हीट है इस टाइम। तकरीबन मेरे हिसाब से ना अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, 1 से 1.5 हफ्ता हमारे ना फैंसी मुर्गी वाले बच्चे निकल आएंगे। बिल्कुल सही है, ये देखो सारे अंडे इसके नीचे हैं, गर्म भी बहुत हैं। हमारी व्हाइट वाली फैंसी मुर्गी ना अंडे वाली जगह पे गई बैठी है वो देखो। तो सुबह तो ब्लैक मुर्गी ने अंडा दिया, अब ये दे रही है। ऐसा करता हूँ आप सबसे पहले ना अपने असील मुर्गे को खोल देता हूँ, मुझे डर यह लड़े ना बादशाह के साथ और जैक के साथ, आपको पता है ये असील मुर्गे जो होते हैं ना बहुत बदमाश होते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, मैंने गेट खोल दिया है और अब ये बाहर आ जाएगा। मैं तो इसके पास ही खड़ा हूँगा, जैसे लड़ने लगे तो मैं इसको पकड़ लूँगा। अब तुम्हें क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इधर आओ। सारी मिनी फौज ना पानी पी रही है, हट जाओ हट जाओ, इसको भी पीने दो। किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को भी कुछ नहीं कहना, ठीक है। चलो आराम से घूमते रहो, पानी पी लो, आओ पानी पी लो, आओ पी लो। दोस्तों हमारा असील मुर्गा बहुत समझदार है। ओ भाई फाइट शुरू हो गई थी, मैंने ना असील मुर्गे को पकड़ लिया, ये हमारे गोल्डन वाले मुर्गे के साथ लड़ा था। हमारे सब मुर्गे नीचे भाग गए हैं इससे डर के, बबलू से। इन्हीं फौज ने ना अपनी डाइट खा ली है, अब मैं इनकी जरा वर्दिश करवाता हूँ। इधर आओ इधर आओ। बबलू जब से आया है ना इसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ थोड़ा सा कल इसको दाना खाया था और कुछ खा भी नहीं रहा। इसके आगे मैंने पानी भी रखा है, दाना भी रखा है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा ये। हमारे दोस्तों इस वाले चिक के ना पत्नी पाँव पे क्या हुआ ये देखो, एक तो ये छलांगे बहुत लगाते हैं बार बार, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, अब क्या किया, चल ही नहीं सक रहा बेचारा, इसको पता नहीं क्या, ये देखो लंगड़ा के चल रहा है ये देखो। हाँ इसने कोई छलांग वगैरह लगाई है तो इसी वजह से। 1 घंटे से हमारी व्हाइट वाली मुर्गी इधर ही बैठी है, ना अंडा दे रही है ना उठ रही है, वैसे बैठी है बिल्कुल। हमारे अंडे वाले जो कबूतर है ना उनको भी तकरीबन 10 दिन हो गए अंडों पे बैठे हुए, तो थोड़े ही दिन रह गए इनके बच्चे भी आ जाएंगे। कर है असील मुर्गे ने ना अभी तक बादशाह को कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो यही लगता था ये लड़ेंगे, तो आपस अभी घूम फिर रहे हैं। लेकिन बबलू का कोई एतबार नहीं है, कभी भी किसी पे हमला कर दे ये। तो एक तोता हमारा सुबह मरा है, एक चूजा भी सुबह मरा है, और अब ये देखो ये बहुत बीमार हुआ पड़ा, ये समझ नहीं आ रही क्या होता जा रहा है, ये देखो ये चल भी नहीं रहा और इसका पीछे पता नहीं क्या हो गया। चिक का ना पाँव सही नहीं है, इसी वजह से ना मैं इसको खुद पानी पिला रहा हूँ। चलो पी लो। हमारी व्हाइट वाली मुर्गी ना अंडे वाली जगह से उठ के आ गई है ये वाली, तो आप इसका अंडा जाके चेक करते हैं। आ ही गया होगा,
ये देखो आ गया आज, ये कट्ठे खा रहे हैं। हाँ इसको उठाता हूँ मैं, और मतलब आज हमारे पास 3 अंडे आ गए हैं। मुर्गी जितनी बड़ी है, अंडा इतना बड़ा नहीं है, अंडा इसका बस इसी साइज का है, छोटा छोटा। दोस्तों हमने 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा असील को ना एक साथ बंद कर दिया है, और अब हमारी सारी मुर्गियां ऊपर आ गई हैं। पहले तो असील मुर्गी से सारे डर के ना नीचे थे, अब ये थोड़ा बहुत खा रहे हैं, इनको भी हम थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। ले आओ। दोस्तों हम ईगल को ना सुपर केज से बाहर निकाल रहे हैं। आराम से आ गया। कल तो समझ के ऊपर ही चढ़ गया था ईगल। अब ये हमारे हाथ पे बैठ के खाता भी है, और इसको हम घुमाते भी हैं। अभी फिलहाल तो गुस्सा नहीं कर रहा, हो जाएगा जल्दी हंटे में ना, ये सही हो जाए। पहले से बहुत फर्क पड़ा है। हाँ पहले तो बहुत ही तंग करता था। ये वहाँ जाने की कोशिश कर, इसकी वहाँ जगह पे ना। ओ भाई जाली ना तोड़ दियो। असल में ना दोस्तों ये सोच रहा मेरी जगह अंदर है पड़ी फिक्स, तो इसी वजह से बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों हमने अपने ईगल को ना डाइट खिला दिया है, अपना इसको दोबारा सुपर केज के अंदर बंद कर देते हैं। ये अब ऊपर खुद ही बैठ जाएगा, ये ऐसे इसको पता लग गया ये मेरी जगह अंदर ही है। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं एंड, बाकी आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह।